कैसे हैं आप सर? तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं लैंड से दुबई की तरफ। फिलहाल तो छोटा ट्रैवल कर रहे हैं जो लोकल बस सिटी में चलती है जस्ट उससे, और फिर यानी कि वहाँ से फिर एक चेंज करेंगे जो मतलब क्या लैंड से दुबई के लिए जाती है। लैंड यानी अलैंड अबूधाबी अलैंड, तो अबूधाबी की सिटी अलैंड। तो आज आपको व्यूज़ करते हैं अलैंड का भी और अलैंड की बस का भी। तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये है अलैंड बस कार्ड यानी अबूधाबी का जो है। अबूधाबी से अलैंड का ट्रैवल भी आप कर सकते हैं इससे, और जो लोकल बस है अबूधाबी में चलती है तो उसका ट्रैवल भी आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये है, दुबई का अलग है और अबूधाबी का अलग है, तो इससे हम ट्रैवल करेंगे। और देखें आप व्यूज़, ये अलैंड की जगह है साखे, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ भी वैसे तो पूरा यूएई माशाल्लाह ब्यूटीफुल है, इन लोगों की हुकूमत जो है चला बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। रूल्स, रोड अथॉरिटी एंड जो भी है सब माशाल्लाह अच्छे से, रमल की साइड से है सब आउट ऑफ। तो देखें अच्छे लग रहे, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये रोड है यानी शाबिया बोला जाता है, शाबिया बोला जाता है यानी कि एक अंडर का एरिया, अंदर जो होता है रोड की साइड से शाबिया। ये देखें, ये रोड है अलैंड का यानी अलैंड जाफर का जो है रोड है। और अलैंड वाली जगह पे ना यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, पता है क्या? वो ये है कि पता है यहाँ पर आपको माउंटेन यानी पहाड़, यहाँ से पहाड़ आपको बहुत अच्छे दिखते हैं। अगर कोई ऑटोग्राफी करे तो वहाँ से भी अच्छे आते हैं। देखें आपको दिखाता हूँ, यहाँ से पहाड़ बहुत अच्छे दिखते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज आता है माशाल्लाह से, देखने का दिल करता है। देखें आप कैसे माशाल्लाह लग रहे हैं, तो अच्छा है बहुत, यहाँ से बहुत अच्छा है यानी ये ज़ाखर की साइड से अबू धाबी अलैंड इन ज़ाखर। और हम अभी बस आएगी तो बस में चढ़ेंगे, तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे बस कार्ड यूज़ होता है। तो सिंपल ही है ना, कोई वो नहीं है इशू बड़ा। इतना देखें, बस अभी आ गई है, मैं अभी देखते हैं कि कार्ड कैसे यूज़ करते हैं, हैं? तो अभी आपको कार्ड कैसे मिलता है कार्ड लगा। ओके, तो देखा आपने कि कार्ड कैसे यूज़ होता है, यही कार्ड था जो मैंने क्लिक किया, तो बहुत ही अच्छा है हिसाब से। आप देखें इसका यूज़ और सब कुछ मतलब बहुत अच्छा है।
देखेंगे लाइन की मस्जिद है। ये बस की जगह है, यानी कि मीना बाज़ार कहा जाता है इसे। तो देख रहे होंगे आप कितना ब्यूटीफुल है, तो माशाल्लाह देखिए।
बस स्टेशन। तो अभी बस थोड़ी ही देर में फिर दुबई के लिए रवाना होंगे, वहाँ की बनेगी वीडियो तो खुद ही आपको मिल सकेंगे। तो कैसा लगा आप सबको एलान? तो कार्ड तो मैंने आपको दिखाया था कैसे पंच करते हैं, जैसे पंच मैंने कार्ड किया उस वैसे ही सेम आउट ऑफ पंच भी करते हैं जैसे पंच किया मैंने। इनको पंच करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसमें सेंसर लगे हैं, आप जैसे ही कार्ड को करीब लेके जाएंगे वो खुद ही स्कैन कर लेगा। ये देखिए ये रोड है, ये मस्जिद है, कि ये बस स्टैंड के करीब है, बाकी ये जो है मेन जगह है यानी कि जहाँ क्रॉसिंग होती है। और एक वो मस्जिद है, और ये देख रहे हैं आप बस, ये है अलाइन की बस जो सिटी ट्रैवल करती है। ये थी अभी जो आपने देखी, ये थी अलाइन की बस जो सिटी ट्रैवल करती है, यानी अलाइन से अबू धाबी, अलाइन से दुबई, दुबई से अलाइन, जो भी है मतलब वो सब यहाँ पे। वो भी देखें यहाँ से रोड क्रॉसिंग होगी, देखें सब लगा हुआ है लोगों का रोड क्रॉसिंग का सब ऑप्शन, वो अच्छा है। देखें एरिया वैसे तो देखें यहाँ से यानी कि लोग अपना ट्रैवल करते हैं, यहाँ से गुजरते हैं पीपल की जगह यानी पब्लिक के लिए खुला गया है। ठीक है, अच्छा है यहाँ से। देखें यहाँ बने हुए हैं कि यहाँ से आप यहाँ से जगह से आप क्रॉसिंग कर सकते हैं किसी और जगह से नहीं। ये है जी अलैन, चलें जी चलते हैं, खुल गया। ये देखें कि ये अलैन की सब्जी मार्केट बहुत ही फेमस है। आप लोगों ने अलैन तो देख ही लिया होगा, तो अब निकलेंगे थोड़ी देर बाद दुबई के लिए, तो उसके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपको कैसा लगा अलैन तो ये बताइएगा मुझे। ओके, ये देखिए अलैन की मार्केट है, बीना बाज़ार कहा जाता है इसे, बीना बाज़ार वगैरह। तो यहाँ सब तो मेन जगह यानी कि अलैन की, यहाँ बस स्टैंड, बस स्टेशन जो है मेन वो भी होता है, और यहाँ की बसेस जो जहाँ से भी जाती हैं यहीं से आती हैं, यहीं से जाती हैं, मतलब कि हॉल है तो बहुत अच्छा हॉल है। तो देखें फार्मेसीज हैं, लाइन बहुत अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ पे एक सुकून है, कोई इतना वो नहीं है दुबई की तरह या कुछ भागना दौड़ भाग दौड़ जल्दी जल्दी, ये वो रेस्ट सुकून यानी कि बहुत साइलेंटली जगह है। तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आई, आप लोगों को तो पता नहीं इसको जो। हाँ तो वैसे ही।